जय माता की। कुंडला वाली दीदी ऑफिशियल न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते होंगे, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। और मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए प्लीज, और सब अपनी लाइफ में खुश रहिए और माता रानी सभी को मनोकामना पूर्ण करें और सभी खुशहाल रहें अपनी फैमिली के साथ। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। देखिए फ्रेंड मशीन का मुझे बहुत इंतज़ार था कि आ जाए, जब कपड़े धुले जाएंगे। इसके ऑपरेशन मेरा हुआ ना तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, बैठ नहीं सकती नीचे। ऑपरेशन वालों की यही परेशानी हो जाती है। फ्रेंड हमारी वॉशिंग मशीन आई है LG की, नई थी नहीं हमारे यहाँ। लकी ओपन कर रही है, देखिए ये वॉशिंग मशीन है। ये देखो ये वॉशिंग मशीन आई है हमारी नई, हमारे घर थी नहीं। ये इसका वो है धुलने का और ये ड्राई करने का। बताइए कैसे कलर की है, कैसी है? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने मोबाइल 200 रुपया था, दियो मैं फिर सवाल भी दे दी। न्यू वॉशिंग मशीन मंगाई है, फ्रंट हमारे यहाँ थी नहीं, वो प्रॉब्लम थी। और ये है लक्की ने ओपन करी है, देखिए कैसी लगी हमारी मशीन, बताना कमेंट करके। देखिए ये सुखाने का है और ये धुलने का है। देखिए अब ऐसा आ रहा है इसमें, बताना फ्रेंड कैसी कमेंट करके। और कपड़े भेजना अपने गंदे, हम धुल देंगे मशीन से। मैंने मंगाई है चना की दाल बनाने के लिए, हमारे यहाँ दाल नहीं थी फ्रेंड। अभी हम यहाँ रहते नहीं हैं तो थोड़ा थोड़ा सामान मंगाना पड़ता है। देखिए कितने कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, कपड़े नहीं धुल पा रहे थे क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ तो कपड़े नहीं धुल पा रहे। देखिए कितने गंदे कपड़े रखे कितने दिनों के, जगह जगह ढेर लग रहा है गंदे कपड़ों का, यहाँ भी लग रहा है वहाँ भी लग रहा है, कम से कम 8-10 जगह ढेर लग रहा कपड़ों का। एक ढेर ये लग रहा है कपड़ों का और एक ढेर ये लग रहा है कपड़ों का, देखिए। और उधर लगा हुआ है, इतने गंदे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, इतना ढेर लगा कि 2-3 दिन में मशीन से भी धुल पाए। ढेर ये लगा है कपड़ों का, सीढ़ी पर रखे हैं। लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। जय हिंद जय भारत। हम भी खुशहाल रहें, हम भी अच्छे रहें। और मैं आपकी कुंडला वाली दीदी